जय हिंद। DBBBOARS में जो आपको अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट करना है, आपको अपनी आईडी और फोटो अपलोड करनी है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आप मोबाइल से ही अपनी आईडी और जो फोटोग्राफ वो कैसे अपलोड कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट कर सकते हैं। साइट थोड़ी बिजी है इसलिए मैं पूरी प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। जो प्रोसेस है वो मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले आपको DBBBOnline.NIC साइट पर जाना है। यहाँ पे जो क्लिक टू साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर, या फिर जो नोटिफिकेशन दिख रहा है क्लिक फॉर अपडेटिंग वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी 10th क्लास का रोल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासिंग ईयर और जो पासवर्ड है वो लगाना है। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम सीधा चलेंगे कि फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके सामने अपनी सबसे पहली जो है डिटेल आएंगी। डिटेल के बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। अगर आधार कार्ड आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो कोई और आईडी जो अपलोड कर सकते हैं। जो तीसरा पेज ओपन होगा वो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो का साइज़ जो है 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस ऐप से हम अपनी फ़ोटो बना सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, इमेज साइज़ टाइप करना है और आपके सामने ये जो है ऐप ओपन हो जाएगा। आपको डाउनलोड करना है, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आपको यहाँ पे फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। एग्जांपल के लिए मैंने इसी पेज को जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पिक्सल जो है 480x672 जो है वो फिल करना है। उसके बाद आपको इंच पे क्लिक करना है और 5 से 7 जो है आपको इस पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद बस आपको दो ही चीज़ फिल करनी है। नीचे जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी इमेज है ये अब कम्प्लीटली जो है तैयार हो चुकी है। अब आपको इसको अपलोड कर, जैसे ही आप अपनी इमेज अपलोड कर देते हैं तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड आईडी प्रूफ डिटेल्स एंड सक्सेसफुली अपलोडेड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ठीक है जी, आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा और साइट पे भी जो आपको दिख जाएगा। तो इस ऐप से जो है आधार कार्ड की फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, केवल आपकी फ़ोटो ही जो है आपको अपलोड करनी है। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साइट थोड़ी बिजी थी इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपको पूरी प्रोसेस मैं नहीं बता पाया। बाकी मैंने इसकी प्रोसेस पहले ही एक वीडियो में बताई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।